खुद समंदर चलकर प्यासे के पास आए। जय हिंद एनडीए एस्पिरेंट्स। आप सभी जो भी एनडीए एस्पिरेंट्स हैं जो 21 अप्रैल को एग्जाम देने जा रहे हैं, उन सभी के मन में अभी कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ डाउट है और कुछ डर है। तो आज मैं देवेंद्र सिंह राठौर आईडी क्लासेस जयपुर की तरफ से आप सभी के सामने उन सभी के बारे में बातचीत करने आ रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि डर होना जरूरी है। आखिर डर क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने सपना देखा है एनडीए खड़गवासला का, एक ऐसी एकेडमी के पार्ट बनने का सपना देखा है जो कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और उसके लिए जो आपने मेहनत की है इसलिए आपका डरना वाजिब है। सबसे पहले तो अभी नवरात्र है तो हैप्पी नवरात्र। आज शक्ति की पूजा और माता रानी जो आप सभी को बल बुद्धि विवेक और शक्ति दे, जिससे कि आप 21 अप्रैल को जो एनडीए का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए आपको शक्ति दे। अब हम बातचीत करते हैं आगे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने अभी बातचीत की है, बताया है कि भाई तीन चीज़ें जो अभी एनडीए एस्पिरेंट्स के मन में है। सबसे पहला है डर, कंफ्यूजन और डाउट। अब डर है तो डर क्यों है? सबसे पहले तो डर इसलिए है क्योंकि आपने तैयारी की है। अगर आप में से कोई ऐसा एस्पिरेंट्स है जिसने तैयारी की नहीं है उसे डर लगेगा ही। डर उसे लगेगा जिसने तैयारी की। तो घबराइए मत, जितने भी तैयारी किए हुए बच्चे उन सबको डर लग रहा है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इस समय जो लास्ट के 7 डेज है, अभी 7 डेज है और इन 7 डेज के अंदर ऐसा क्या करें कि हमारे को सफलता हमारे कदमों में, या ऐसी कौन सी गलती हम ना करें जिसकी वजह से हम सफल हो जाएं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस समय समझ रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, अब कैसे पढ़ें। पढ़ने के लिए बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप अभी पढ़ाई करना चाहते हैं, सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, कर ही नहीं सकते। वह क्या क्या पढ़ेंगे? करंट पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, इकोनॉमिक पढ़ेंगे, मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, इतना वक्त नहीं है। तो सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको सबसे पहले इस समय आपके मन के अंदर एक चीज जो आ रही है वो आ रही है सोचना। सबसे ज्यादा सोच विचार। हमारे बुजुर्गों ने एक कहावत कही है कि चिंता चित्ता समान है। अगर आप बहुत ज्यादा सोच विचार कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक। अब सोच क्या रहे हो? सोच ये रहे हो कि कहीं मेरे अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आएगा तो क्या होगा, मेरे पापा क्या कहेंगे, मेरे मम्मी क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे, मैं पिछले 1 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। ये सारे विचार जो आपके मन में आ रहे हैं और इन विचारों को आप गहनता से और ज़्यादा विचार कर रहे हो, जिससे क्या होगा कि जो सोचने की पूरे दिन विचार इस तरह के नेगेटिव थॉट्स आएंगे और ये नेगेटिव थॉट्स आपको एंजाइटी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले तो है कि आपको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना। अब सोच विचार आदमी करता नहीं है, अपने आप आते हैं सोच विचार। तो उनके लिए क्या करना है? उनके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अकेले नहीं रहना है। दूसरी बात आता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं, जैसे मान लो सपोज करो मैं एक एस्पिरेंट हूँ और मेरी मैथ बहुत स्ट्रांग है तो मैं मैथ को लिए बैठा हूँ, मैथ ही मैथ को लिए बैठा हूँ। तो बच्चों एक अकेले सब्जेक्ट से आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो बहुत गलत कर रहे हो, आज से इसे छोड़ दीजिए। क्योंकि कहावत है एक बार कि एक अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, मतलब कि जब आप एक ही सब्जेक्ट से अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एनडीए निकालूं तो ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो अब आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसके अंदर
साथ ही आपको इस दौरान मैं आपको बता दूं कि 900 का जो पेपर होता है उसमें से 900 में से 900 नंबर लानी ही है आपको। आपने अभी जो रिजल्ट आया है 2023 का आया है उसकी कटअप्स वगैरह आपने देखी होगी बहुत कम जाती है, तो आपको कटअप क्लियर करने के या आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए इतने ही नंबर लाने हैं। अब वो नंबर कैसे लाने हैं इसके लिए क्या करेंगे, मतलब अब आप क्या करोगे, अब क्या पढ़ोगे, पढ़ने का टाइम ही नहीं। ये 7 डेज है, आपने जितना पढ़ा है उसको सही डिलीवर करने का है, बस पढ़ाई की है आपने, सबने की है। जो एवरेज स्टूडेंट है उसने भी इतना पढ़ा है कि एनडीए में फाइनल सिलेक्शन ले सके, चाहे तो आप पिछले जो भी 10 साल की कटअप है उनको उठाकर देख लीजिए। तो जब आपने इतना पढ़ रखा है तो फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप सही तरीके से तैयारी कर ही नहीं रहे हो। अब इस 7 डेज में ऐसा क्या करें कि आपको सफलता मिल जाए, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने। अब आप मॉक टेस्ट से कैसे पता चलेगा, मॉक टेस्ट आप रोजाना अभी रोजाना मॉक टेस्ट दोगे, जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपने शायद मॉक टेस्ट दिए होंगे, और नहीं दिए हैं तो आपको देना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो बैच चल रहा है उसके अंदर मॉक टेस्ट लिए जाते हैं और बाकायदा उनको उनके मार्क्स बताए जाते हैं, एनालिसिस करवाया जाता है। तो आप जो मॉक टेस्ट दोगे उससे क्या फायदा होगा, उससे आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके वीक पॉइंट क्या है, ऐसे कौन से क्वेश्चन थे जिनको आपने अटेम्प्ट किया और पूरे में से पूरे नंबर आ गए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो डाउटफुल थे, आपको लग रहा था कि भाई हो सकता है ये हो जाए या नहीं हो, या तो आपने उनको अटेम्प्ट किया तो वो गलत हो गए, या आप डर के मारे उनको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, ऐसे क्वेश्चन। और कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहे, तो अब आपको क्या करना है, आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो तो है उसे छोड़ दीजिए, जो डाउटफुल वाला है उनके टॉपिक्स को टिक कीजिए, जो डाउटफुल टॉपिक्स है उनको टिक कीजिए, उनको थोड़ा बढ़िया कीजिए, और जो बिल्कुल भी नहीं आए उन्हें छूना नहीं है, उन्हें छोड़ दो क्योंकि आप पढ़ने का टाइम है ही नहीं। अगर आपने डियर स्टूडेंट्स अगर आपने इतना कर लिया तो आप 7 डेज जो ये लास्ट 7 डेज की स्ट्रैटेजी है इसके अंदर आपका पासा पलट जाएगा और आप सिलेक्शन ले। तो आपको जो मॉक टेस्ट है वो प्रॉपर मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट ऐसे नहीं देना, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो मॉक टेस्ट, हमारे पास भी ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि साहब हमारे को पेपर दे दो हम घर जाके कर लेंगे, ऐसा नहीं करना। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो सिलेक्शन नहीं आएगा आपका, क्यों, क्योंकि अगर जो टाइम फ्रेम है अपने आप को उस टाइम फ्रेम में बांधो, 2.5 घंटे का आपका पेपर है तो 2.5 घंटे में उसे सॉल्व करो, 5 घंटे में तो 17 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, वो 17 के 17 लाख सॉल्व कर लेंगे कहीं से देख दाख के या थोड़ा टाइम मिल जाएगा, असली तो 2.5 घंटे के अंदर उसको सॉल्व करना वही तो है इम्पोर्टेंट। तो आपको जो सोल्व करना है वो 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे के 2 पेपर और उन्हें प्रॉपर सोल्व करो, जो आता है वो करो, जो डाउट है उस सेक्शन को चेकआउट करो, और जो बिल्कुल भी नहीं आते उन्हें छोड़ दो, उन्हें नहीं टच करना। और इस तरह से आप करोगे तो आप देखोगे कि 2-3 दिनों में ही आपको आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर कि मेरे को ये टॉपिक तो क्लियर है, अगर इसमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं कर लूंगा, ये थोड़े डाउटफुल है जिनको कि मुझे एक बार दोबारा से रिवाइज करने पड़ेगा उन टॉपिक्स को, और उन टॉपिक्स को आप रिवाइज करो या किसी की हेल्प ले लो और उससे अपने डाउट क्लियर करो। इस तरह से जब आप करोगे तो आपके नजदीक सफलता आ जाएगी, साथ ही अपने आप को खुश रखो, अभी इस समय आप जितना ज्यादा खुश रहोगे उतने। दूसरा, अभी आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सबके पास 24 घंटे ही हैं, अभी लगभग जितने भी एक्सपीरियंस हैं वो 5 से 6 घंटे सो रहे होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो 6-7 घंटे सो रहे होंगे, बट अधिकतर 5 से 6 घंटे सो रहे होंगे। तो 6 घंटे अगर 24 घंटे में से 6 घंटे निकाल दिए जाए तो 18 घंटे आपके पास है, 18 घंटे में से भी थोड़ा बहुत कोई आपका काम वगैरह कुछ लगा लेते हैं तो भी आपके पास 12 से 14 घंटे हैं अभी भी,
इस 12 से 14 घंटे को इस तरह से डिवाइड करो और अपने आप को चेक करो और अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको समझो और जो वीक पॉइंट है उनको समझो और जो डाउट है उनको समझो और जो कन्फ्यूजन और डाइट वाले सेक्शन है उनके अंदर से आप थोड़ा बहुत नंबर और खींच सकते हो। और इस तरह से आप अपनी कटअप को पहचानो, अपने नंबर को पहचानो, अपने आप को पहचानो और एक बेहतरीन तरीके से अपने सपनों को, जो आपने सपना लिया है इंडियन आर्मी के अंदर एज ए ऑफिसर बनने का, वो सपना अपना पूरा कीजिए। और इसी तरह से ये जो 7 दिन है उसमें सबसे ज़्यादा मोटिवेट रहिए, खुश रहिए और अपने आप को इस तरह से रखिए कि जो 21 अप्रैल को जो एग्ज़ाम होने जा रहा है वो एग्ज़ाम डन करो और अपना अपने परिवार का, अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, सबका सपना साकार करो और आप एक उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जाओ जो आपका इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों ये था हमारा 7 डेज का मेरा टिप्स, जो कि आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आप इसे फॉलो करोगे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि NDA 2024 सितंबर वाले बैच के लिए आज से हमारे न्यू बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर आपकी प्रॉपर क्लासेस चलेगी, प्रॉपर टेस्ट होंगे, आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, वीकली टेस्ट होंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलेगी SSB की क्लासेज, इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेज भी मिलेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं NDA के पार्ट बनना और अगर आप चाहते हो, NDA का सपना है अगर आपका, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके तुरंत चले आइए। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय, टेक केयर।